बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूँ असरा अनवर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आइसक्रीम बनाने की रेसिपी। आज मैं आपको बताऊंगी कि बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही करीमी किस तरह से करनी है हमने आइसक्रीम तैयार। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी होगी। तो बनाते हैं आइसक्रीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो चले फ्रेंड्स बनाते हैं आइसक्रीम। आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने एक पैन में लिया है 1 kg दूध, जिसमें मैं ऐड करूँगी 2 tablespoons कॉर्नफ्लोर के। आप देख सकते हैं मैं कॉर्नफ्लोर के 2 tablespoons ऐड कर रही हूँ। हमारे पास ठंडा दूध है, ये फ्रिज वाला दूध है ठंडा, और ये मेरे पास खुला दूध है, आम दूध है। आप डिब्बे वाले दूध की भी बना सकते हैं, आप सूखे दूध की भी बना सकते हैं। हमने इसको उस टाइम तक मिक्स करना है जब तक के इसके अंदर ये फुटकड़ियाँ ख़त्म ना हो जाए। तो मैं इसको मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको रखते हैं पकने के लिए। मैंने इसको रख दिया है पकने के लिए। तो हमने इसको तब तक पकाना है जब तक के हमारा दूध गाढ़ा ना हो जाए। ये देखिए, ये जैसे ये गाढ़ा होगा तब तक हमने इसको पकाना है। अभी इसको एक उबाल आएगा तो मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। तो इसको मैं पहले पकाती हूँ उबाले तक। जैसे ही उबाल आएगा चीनी ऐड करते आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसको उबाला आ गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 4 tablespoons चीनी। आपने अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें चीनी ऐड कर लेनी है। आप देख सकते हैं कि दूध गाढ़ा होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी हमने इसको 5 मिनट तक पकाना है। 5 मिनट पका के आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से गाढ़ा हो गया है। ये ठंडा होके मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो जब आपको लगे कि ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है, तब आपने इसको उतार लेना है, यानी कि ये तैयार हो गया है। अब मैं इसके नीचे कर रही हूँ गैस बंद, और इसको मैं करूँगी ठंडा। तो जैसे ये ठंडा होता है तो मैं आपको अगला स्टेप बताती हूँ कि हमने क्या करना है। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला स्टेप ये है कि मैंने लिया है एक क्रीम का डिब्बा। आप देख सकते हैं ये मैंने क्रीम का डिब्बा लिया है। आप घर की फ्रेश क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने ये क्या करना है कि एक लेनी है ब्लेंडर। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। इसमें मैं ये क्रीम का डिब्बा पूरा ऐड कर रही हूँ। इस तरह से पूरा क्रीम का डिब्बा इसमें ऐड कर देना है। अच्छे से सारी क्रीम इसमें से निकाल ले। मैं अच्छे से निकाल के आपको दिखाती हूँ। अच्छे से मैंने सारी क्रीम इसमें निकाल ली है। अब मैं इसको ब्लेंडर लगाती हूँ, चलाती हूँ इसको। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ब्लेंडर का मैंने ढक्कन बंद कर दिया है। अब मैं इसको चलाती हूँ। इसको तकरीबन हमने 3 से 4 मिनट तक चलाएंगे, जब तक के ये अच्छे से ब्लेंड ना हो जाए। आप देख सकते हैं मैं इसको फिर चला रही हूँ। तो ये अच्छे से ब्लेंड हो गई है, आप देख सकते हैं। अब हम करेंगे ये वाली चीज़ उतार के, इधर से हम दूध ऐड करेंगे। अब मैं इस जगह से इसमें दूध ऐड कर दूंगी। इस तरह से मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया। इधर से बंद कर दूंगी और अब इसको 3 से 4 मिनट तक चलाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट के बाद ये दोनों चीज़ें अच्छे से ब्लेंड हो गई है। अब मैंने लिया है एक प्लास्टिक का डिब्बा, उसमें इस तरह से हम ऐड कर देंगे। इस तरह से सारी आइसक्रीम हमने ऐड कर देनी है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब मैंने 3 से 4 घंटे के लिए इसको रख देना है फ्रीज़र में, ताकि ये अच्छे से जम जाए।
तो 3 से 4 घंटे के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने आइसक्रीम वाला ही डिब्बा लिया है, ये ढक्कन मैंने बंद कर दिया है। अब मैं 3 से 4 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख रही हूँ और आपको फिर 3 से 4 घंटे बाद दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रेंड्स, हमारी आइसक्रीम अच्छे से जम गई है। अब मैं आपको ये खोल के दिखाती हूँ। देखिए, माशाल्लाह से आइसक्रीम बहुत ही अच्छे से जम गई है। मैंने इसको ऊपर वाली फ्रीज़र में रख दिया था आपको चेक कराने के लिए। ये देखिए, आइसक्रीम बहुत ही अच्छे से जमी हुई है। अब हम लेते हैं एक बॉल इस तरह से, ये लिया है मैंने एक बॉल। अब मैं इसमें आइसक्रीम निकालती हूँ। अब देख सकते हैं फ्रेंड, बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी हमारी आइसक्रीम बन गई है। इस तरह से हम आइसक्रीम डालते हैं बॉल में। इस तरह से आपने आइसक्रीम बॉल में डाल के सर्व करनी है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी रेसिपी बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी हो गई है तैयार। आपको नज़दीक करके दिखाती हूँ कि ये बहुत ही अच्छी लग रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर ट्राई करिएगा। असरा अनवर की तरफ से अल्लाह हाफिज़। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आइसक्रीम कैसी लगी।